क्या है कैसे उसकी पिन कन्फिग्रेशन होती है इसे ट्रिपल फाइव क्यूँ बोलते हैं तो वो हम डिस्कस करते हैं आज ट्रिपल फाइव टाइमर बेसिकली एक मोस्ट पॉपुलर वर्सिटाइल इंटीग्रेटेड सर्किट है

फाइव है तीनों की वैल्यू दैट इज वाई इसे हम ट्रिपल फाइव बोलते हैं क्योंकि हमने तीन फाइव किलो ओम्स के रजिस्टर हमने यूज किए हैं राइट ऑल्सो इट इज अम्बिनेशन ऑफ बोथ एनालॉग सर्किट मतलब यू सी इन द सर्किट डायग्राम कि हमने डिजिटल और एनालॉग दोनों सर्किट्स को कम्बाइन करके हमने एक टाइमिंग सर्किट टाइमर डिजाइन किया है इट इज ऑल्सो नोन एज टाइम मशीन टाइम मशीन बोलते हैं क्यों बिकॉज वेराइटी ऑफ टाइमिंग टास्क को यह परफॉर्म करता है एंड जिस एप्लीकेशन में ट्रिपल फाइव टाइमर को यूज कर सकते हैं वो एप्लीकेशन कौन कौन सी है रैम्प एंड स्क्वेयर वेव जनरेटर है वी हैव फ्रिक्वेंसी डिवाइडर्स एंड इट इट कैन ऑल्सो बी यूज इन वोल्टेज कंट्रोल ऑसिलेटर्स पल्स जनरेटर्स में यूज कर सकते हैं एलईडी फ्लैशर्स में यूज कर सकते हैं मिनिमो

It is eight pin, dual in -line वही पर पिंस है बाकी दोनों साइड में पिंस नहीं है अगर चारों साइड में पेन होती है तो उससे हम क्वार इन लाइन बोलते हैं यहाँ पर दो साइड है तो दैट इज वाईट इज नोन एज डुअल इन लाइन इंटीग्रेटेड सर्किट और चिप राइट न ये है इसका पिन कॉन्फ़िगरेशन पिन कॉन्फ़िगरेशन में वी कैन सी वी हैव एट पिन फर्स्ट वन इज द ग्राउंड सेकंड वन इज द ट्रिगर थर्ड वन इज द आउटपुट फोर्थ वन इज रीसेट फिफ्थ वन इज कंट्रोल वोल्टेज सिक्स्थ वन इज द थ्रेशोल्ड सेवेंथ इज डिस्चार्ज एंड एर्थ इज दी सी सी सप्लाई वोल्टेज सो इसका सर्किट डायग्राम देखते हैं सर्किट डायग्राम में कहा ये पिन कैसे कैसे यूज होते हैं लेट मी शो यू दैट ज ब्लॉक डायग्राम और यू कैन सी दर्किट इंटरनल सर्किट्री ऑफ ट्रिपल फाइव टाइमर आई सी सो एट पेन है आईसी की तरह बनाया हुआ है इसे फर्स्ट पेन जो है यू कैन सी ये ग्राउंड कर रखी है हमने ठीक है सेकेंड पेन जो है ये कम्पैटर से है फोर मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज की हमने अभी डिस्कस किया एक पॉइंट की ट्रिपल फाइव टाइमर आईसी इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ एनोलॉग एज वेल एज डिजिटल सर्किट सो हेयर वी कैन सी की हमारे पास एनोलॉग सर्किट के लिए क्या है हमारे पास दो कंपेरिटर्स है हमारे पास एक ट्रांजिस्टर है ये सारे क्या हैं एनोलॉग सर्किटरीज है बट यू के पास एक ट्रिपल फाइव टाइमर में हमने एनोलॉग सर्किट भी यूज किया है हमने डिजिटल सर्किट भी यूज किया है सो दैट इज वाई वी हैव टोल्ड की इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ एनोलॉग एज वेल एज डिजिटल सर्किट राइट एंड एक चीज हमने और डिस्कस की थी कि हमारे पास हम इसे ट्रिपल फाइव क्यों बोलते हैं सो वी कैन सी हेयर इन दिस बॉक्स आप देखिए कि हमने यहाँ पर एक पॉइंट पे वीसीसी अप्लाई किया है एंड द सेकंड साइड पे ग्राउंड है और इन बिटवीन हमारे पास थ्री रेजिस्टर हैं फर्स्ट वन फर्स्ट फाइव किलो ओम सेकेंड एंड थर्ड वन तीनों ही रेजिस्टर की वैल्यू कितनी है फाइव किलो ओम ये एक वोल्टेज रेजिस्टिव नेटवर्क बना रहे हैं जिसकी वजह से हमें थ्रेशोल्ड वोल्टेजेस मिलती है और ये तीनों ही रजिस्टर की वैल्यू फाइव किलो ओम है दैट इज वाई इस टाइमर को हम ट्रिपल फाइव टाइमर बोलते हैं ठीक है देन uh, जो है ये इनपुट है हमारी ओपैम्प uh, की सेकेंड ओपैम्प की थर्ड हमारा आउटपुट था तो थर्ड आउटपुट पर लगा हुआ है फोर्थ रिसेट है तो हमने इसे फ्लिप फ्लॉप पे लगाया हुआ है फिफ्थ कंट्रोल वोल्टेज है कंट्रोल हमारा इस पे लगा है सिक्स हमारे पास थ्रेश है तो ओपैम्प वन की इनपुट है देन सेवेंथ डिस्चार्ज है तो ये ट्रांजिस्टर के साथ कनेक्टेड है एंड डिस्चार्ज है तो यहाँ पर हमें कैपेसिटर भी लगा सकते हैं जो डिस्चार्जिंग और चार्जिंग जिसकी होगी तो उससे हमें टाइमर की सिचुएशन uh, का पता चलेगा टाइमर अपनी पोजिशन चेंज करेगा एंड द एथ पिन इज यो सो यार ये सारी पिन जितनी भी है इन सबको हम डिटेल में डिस्कस करते हैं राइट right? So the first pin is pin. पहला पिन हमारा कौन सा है फर्स्ट पिन इज ग्राउंड पिन तो जितने भी कनेक्शन हम आईसी में करेंगे जितने भी कनेक्शन आईसी में हम करते हैं वो सारे ही कनेक्शन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड होते हैं विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड टर्मिनल होते हैं तो दैट विल बी माई पिन नंबर वन विच इज जीरोस राइट देन नेक्स्ट पेन नेक्स्ट पिन है हमारे पास ट्रिगर पेन सेकेंड पेन हमारी कौन सी थी ट्रिगर पेन जैसे कि नाम से पता चल रहा है ट्रिगर ट्रिगर का मतलब है कि अगर हमें कोई एक्सटर्नल ट्रिगरिंग प्रोवाइड करनी है तो वो हम इस पेन पर प्रोवाइड करते हैं ठीक है ये पेन कहाँ पर था ये पेन हमारा सेकेंड ओपैम की इनपुट थी कौन सी इनपुट थी This pin is an inverting input to a comparator that is responsible for the transition of flip flop from set to reset. इस ट्रिगरिंग की वजह से जो हमारा फ्लिप फ्लॉप होता है वो अपनी कंडीशन को चेंज करता है सेट से रीसेट की तरफ जाता है ठीक है the output आउटपुट ऑफ द टाइमर on ऑन amplitude ऑफ द एक्सटर्नल ट्रिगर पल्स applied टू दिस पिन जो आउटपुट है टाइमर का वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा जो हम ये ट्रिगर यहाँ से प्रोवाइड करेंगे इनपुट ट्रिगर प्रोवाइड करेंगे आउटपुट उसी के ऊपर डिपेंड करता है ठीक है सो so ये हम कब देखेंगे जब हम ट्रिपल फाइव टाइमर को एज अ मोनो स्टेबल मल्टीवाइब्रेटर या एज अ ए स्टेबल मल्टीवाइब्रेटर की तरह डिस्कस करेंगे सो so वहां पर आप इस पिन का यूज देखोगे ठीक है वी विल डिस्कस इन डिटेल कि कैसे ट्रिगरिंग के चेंज होने की वजह से हमारे आउटपुट पर इफेक्ट पड़ता है आउटपुट हमारी चेंज होती है राइट देन नेक्स्ट पेन इज आउटपुट पेन सो एज वी कैन डिस्कस ऑलरेडी डिस्कस की आउटपुट है तो इस पिन पर हमें टाइमर का आउटपुट मिलता है ठीक है सो आउटपुट ऑफ द ट्राइमर इज अवेलेबल एट दिस पॉइंट देन आर टू वेज इन लोड कैन बी कनेक्टेड टू द आउटपुट टर्मिनल अगर हमें आउटपुट टर्मिनल पे लोड लगाना है तो हमारे पास दो तरीके होते हैं कनेक्ट करने के लिए एक क्या होता है कि पिन नंबर थ्री मतलब आउटपुट पिन और ग्राउंड पिन के बीच में लगा सकते हैं या फिर हम आउटपुट पिन या सप्लाई पिन एर्थ पिन के बीच में लगा सकते हैं लोड ठीक है अगर लोड आउटपुट पिन मतलब थर्ड पिन और ग्राउंड पिन के बीच में लगा है तो उससे हम क्या बोलते हैं उससे हम बोलते हैं नॉर्मली ऑफ लोड और अगर पिन नंबर एट सॉरी अगर पिन हमारा जो लोड है वो हमारा आउटपुट और बीसीसी के बीच में लगा है तो उससे हम क्या बोलते हैं नॉर्मली ऑन लोड सो बेसिकली हमें क्या बता रही हूँ कि जब आप आउटपुट निकालते हो तो आउटपुट हम किसी लोड के क्रॉस लेते हैं राइट right? तो लोड हम यहाँ पर दो तरीके से निकाल सकते हैं एक तो हमने आउटपुट या ग्राउंड के बीच में लगाया है या हमने आउटपुट या वीसीसी के बीच में लगाया है अगर आउटपुट और ग्राउंड के बीच में लगाते हो तो उसे हम नॉर्मली ऑफ लोड बोलते हैं अगर आउटपुट और वीसीसी के बीच में लगाते हो तो उसे हम नॉर्मली ऑन रोड बोलते हैं राइट सो दिस इज ऑल अबाउट दिन नंबर थ्री विच इज दउटपुट पिन नो नेक्स्ट पिन इज रीसेट पिन अब जैसे कि नाम से पता चल रहा है कि ये पिन रीसेट करेगा मतलब अगर हमें अपने टाइमर को रीसेट करना है तो हम यहाँ पर इनपुट प्रोवाइड करते हैं अगर हम यहाँ पर इनपुट प्रोवाइड करेंगे तो हमारा जो टाइमर है वो रीसेट हो जाएगा अगर वो ऑलरेडी इन वर्किंग कंडीशन में था तो जो भी उसका ऑपरेशन चल रहा होगा उस ऑपरेशन को छोड़ के वो दोबारा से जीरो पे आ जाएगा और वो मीन्स वो रीसेट हो जाएगा ठीक है सो टू डिसेबल और रीसेट द टाइमर नेगेटिव पल्स इज अप्लाइड टू दिस द फैक्ट इट इज रेफर टू एज रीसेट टर्मिनल इसे टाइमर को डिसेबल या रीसेट करने के लिए हम यहाँ पर एक नेगेटिव पल्स देते हैं जिसकी वजह से हमारा जो आईसी है वो रीसेट हो जाती है ठीक है लेकिन अगर हमें ये पिन यूज नहीं करनी है मान लो मैं कोई सर्किट मेरा ऑलरेडी डिजाइन हो चुका है मोनोस्टेबल मल्टीवाबिटर मेरा ऑलरेडी डिजाइन हो चुका है मुझे इस पिन को यूज नहीं करना है मुझे रीसेट नहीं करना है तो हम क्या करेंगे हम इस पिन को वीसीसी से कनेक्ट कर देंगे सो so दैट गलती से भी कोई फॉल्स ट्रिगरिंग ना हो जाए ठीक है सो वेन दिस पिन इज नॉट टू बी यूज फॉर रीसेट पर्पज इट शुड बी कनेक्टेड टू द वी टू अवॉइड एनी पॉसिबिलिटी ऑफ फॉल्स ट्रिगरिंग राइट

ये पिन हम यूज करते हैं ट्रिगर और थ्रेशोल्ड को कंट्रोल करने के लिए जो हमने सेकेंड पिन पर ट्रिगरिंग इनपुट दिया है और जो सिक्स पिन पर हम थ्रेश्ड इनपुट देते हैं उन दोनों को कंट्रोल करने के लिए ये हमारी पिन होती है अगर उन दोनों वोल्टेजेस को हमें कंट्रोल करना है तो वो हम इस पिन के थ्रू कर सकते हैं राइट सो द फंक्शन ऑफ दिस पिन इज टू कंट्रोल देश एंड द दिगर रेवल दस इधर द एक्सटर्नल वोल्टेज और अ पॉट कनेक्टेड टूथ दिस पेन डिटर आउटपुट वे फॉम अगर ये कंट्रोल करेगा तो इसी की जो जो आउटपुट है वो इसके कंट्रोल वोल्टेज के अकॉर्डिंग ही पता चलेगा कि जिस तरह से ये कंट्रोल करेगा उसी तरह से हमें आउटपुट पे जनरेट मिलेगी ठीक है द एक्सटर्नल वोल्टेज अप्लाइड टू दिस पिन कैन ऑल्सो बी यूज टू मॉड्यट दउटपुट वेव फॉर्म अगर कंट्रोल वोल्टेज पिन पर हमने कोई एक्सटर्नल वोल्टेज अप्लाई की है तो जो आउटपुट वेव फॉर्म है उसे मॉड्यट करने के लिए भी हम इसे यूज कर सकते हैं मॉडुलेशन भी हम परफॉर्म कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ कंट्रोल वोल्टेज लेकिन अगर ये पिन हमारा यूज में नहीं है मतलब अगर मुझे कोई मुझे ट्रिगर पॉइंट को या स्पेशल पॉइंट को कंट्रोल नहीं करना है यूजिंग कंट्रोल वोल्टेज पिन तो क्या करेंगे तो इस पिन को हम ग्राउंड से कनेक्ट कर देंगे थ्रू अ कैपेसिटर ऑफ वैल्यू जीरो पॉइंट जीरो वन माइक्रो ठीक है इसे हम ग्राउंड से कनेक्ट कर देंगे यूजिंग अ केपेस्टर ऑफ 0.01 पॉइंट जीरो वन दैट गलती से भी कोई मिस कनेक्शन ना हो जाए कोई नॉइज क्रिएट ना हो सर्किट में अगर हमने उस पिन को ओपन छोड़ दिया तो ठीक है सो इन शॉर्ट फिफ्थ पिन जो है हमारा वो कंट्रोल वोल्टेज पिन है और कंट्रोल वोल्टेज पिन को हम क्यों यूज करते हैं वो हमारे ट्रिगर इनपुट uh, और इनपुट को कंट्रोल करता है क्योंकि वो इनपुट्स को कंट्रोल करता है इसीलिए जो आउटपुट वेवफॉर्म है उसको भी वो कंट्रोल कर पाता है ठीक है एंड आउटपुट वेवफॉर्म को वो मॉड्यूलेट करने में भी काम कर सकती है कंट्रोल वोल्टेज और अगर ये पिन यूज में नहीं है तो इसे हम ग्राउंड से कनेक्ट करते हैं यूजिंग अ कैपेसिटर ऑफ वैल्यू जीरो पॉइंट जीरो वन माइक्रोफेराट राइट देन द नेक्स्ट पिन इज थ्रेशोल्ड पिन अब थ्रेशोल्ड पेन क्या है थ्रेशोल्ड पेन है हमारी जो एक कंपेरेटर वन है उसकी नॉन इन्वर्टिंग इनपुट है ठीक है सो so, इस पिन पर जो वोल्टेज होती है वो कितनी होती है वो टू बाई थ्री बी होती है अब ये वोल्टेज कैसे आती है ये हम डिस्कस करेंगे ब्लॉक डायग्राम की पीपीटी में जो जस्ट हमारा जो, ने, जो नेक्स्ट लेक्चर होगा वीडियो लेक्चर इट विल बी ऑन दी ब्लॉक डायग्राम ऑफ ट्रिपल फाइव टाइमर सो वहाँ हम डिस्कस करेंगे की वॉट इज अपर थ्रेशोल्ड लोअर थ्रेशोल्ड तो वहां पर हमारे पास जो अपर थ्रेशोल्ड आती है वो टू बाय थ्री आती है एंड लोअर थ्रेशन बाय थ्री बी आती है ठीक है तो जो ये सिक्स पिन हम जो अप्लाई करते हैं ये हमारी टू बाई थ्री बीसीसी होती है ठीक है द एम्पलीट्यूड ऑफ द वोल्टेज अप्लाई टू दिस टर्मिनल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर द सेट स्टेट ऑफ फ्लिप फ्लॉप इस पेन पर हम जो भी एम्पलीट्यूड अप्लाई करते हैं जो भी इनपुट अप्लाई करते हैं वो डिपेंड करती है फ्लिप फ्लॉप की स्टेट को चेंज करने में वो फ्लिप फ्लॉप को सेट स्टेट में चेंज करती है ठीक है सो दिस इज बेसिकली सिक्स पेन इज बेसिकली इनपुट टू अ अम्पेरिटन दैट्स इट ठीक है देन सेकेंड लास्ट पिन इज अ डिस्चार्ज पिन अब जैसे कि नाम से पता चल रहा है डिस्चार्ज तो ये पिन क्या करेगा ये पिन हमारा एक ट्रांजिस्टर uh, से कनेक्टेड होता है और वो ट्रांजिस्टर एक कैपेसिटर से कनेक्टेड होता है तो उस कैपेसिटर की चार्जिंग और डिस्चार्जिंग इस पिन के ऊपर डिपेंड करती है इस पिन पर उसकी आउटपुट uh, मिलती है हमें ठीक है सो दिस पिन इज कनेक्टेड इंटरनली टू द कलेक्टर ऑफ अ ट्रांजिस्टर एंड मोस्टली अ कैपेसिटर इज कनेक्टेड बिटवीन दिस टर्मिनल एंड अ ग्राउंड ठीक है इस टर्मिनल और ग्राउंड के बीच में कैपेसिटर होता है उसके कैपेसिटर की चार्जिंग और डिस्चार्जिंग इसी पिन से पता चलती है हमें सो इट इज कॉल्ड डिस्चार्ज टर्मिनल बिकॉज वेन ट्रांजिस्टर सैचुरेट कैपेसिटर डिस्चार्जेस थ्रू द ट्रांजिस्टर जब हमारा ट्रांजिस्टर है वो सैचुरेट करता है तो कैपेसिटर जो है वो डिस्चार्ज हो जाता है थ्रू दैट ट्रांजिस्टर ओनली ठीक है द कैपेसिटर चार्जेस एट अ रेट डिटरमाइंड बाय द एक्सटर्नल रेजिस्टर एंड कैपेसिटर व्हेन द ट्रांजिस्टर इज कट ऑफ जब ट्रांजिस्टर कट ऑफ होता है तो यही कैपेसिटर चार्ज हो जाता है जो हमने एक्सटर्नली रेजिस्टर और कैपेसिटर लगाए हैं उनकी हेल्प से वो चार्ज हो जाता है बेसिकली so जो हमारा सेवेंथ पिन है उसको हम डिस्चार्ज पिन बोलते हैं क्यों क्योंकि इसके साथ एक कैपेसिटर कनेक्टेड है और उस कैपेसिटर के साथ एक ट्रांजिस्टर कनेक्टेड है डिपेंडिंग अपॉन दी पोजीशन ऑफ ट्रांजिस्टर वेदर इट इज ऑफ और इट इज इट इज ऑन जो कैपेसिटर है वो चार्ज और डिस्चार्ज होता है ठीक है सो दैट इज वाई इस पिन को हम डिस्चार्ज पिन बोलते हैं लास्ट पिन इज बी पिन ऑब्वियसली ये सप्लाई वोल्टेज पिन है तो इस से हमें पेन पर और ट्रिपल कितनी वोल्टेज कोई कर सकते हो प्लस एटीन वोल्ट आप इस पे अप्लाई कर सकते हो फॉर दिनिंग ऑफ ट्रिपल फाइव टाइमर आईसी राइट नो लेटस डिस्कस अचर्स ऑफ द ट्रिपल फाइव टाइमर जो ट्रिपल फाइव टाइमर है इसको अपना नाम कहाँ से मिला इट गेट्स इट्स नेम फ्रॉम द्री फाइव किलो ओम रजिस्टर यूज जो हम पांच फाइव किलो ओम रजिस्टर यूज करते हैं वहां से हम इसको ट्रिपल फाइव टाइमर बोलते हैं एंड इट इज इजी टू यूज इजी है यूज करने में लो प्राइस है रिलायबल है राइट right? ऑपरेट करता है इन बोथ दी स्टेट्स इट इज दिन दी ए स्टेबल स्टेट एट वेल एज इन द मोनोस्टेबल मोड दोनों ही मोड में ही काम करता है

IC की टर्न ऑफ टाइम बहुत ज्यादा होता है जिसकी वजह से हमारे पास आउटपुट लैप्स आ जाता है बट इसका टर्न ऑफ टाइम भी बहुत स्मॉल है इज स्टेबिलिटी ऑफ फिफ्टी पार्ट पर मिलियन पर डिग्री सेल्सियस चेंज इन टेम्परेचर 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 स्टेबिलिटी भी प्रोवाइड करता है ठीक है एंड ऑल्सो इट कैन बी यूज फॉर ड्राइविंग द टी एल लॉजिक सर्किट ट्रांजिस्टर ट्रांजिस्टर लॉजिक सर्किट्स को भी ड्राइव करने में ट्रिपल फाइव आईसी टाइम काम में आ जाए टाइमर आईसी सो थैंक यू सो मच एंड दिस इज ऑल अबाउट द ट्रिपल फाइव टाइम इंट्रोडक्शन पार्ट एंड द इन नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट द ब्लॉक डायग्राम ऑफ आर ट्रिपल फाइव टाइमर थैंक यू सो मच